नमस्कार, मी निकिता वागदे. स्टार अपेक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे. बघूया आजचा स्टारचा वार. कठुआ व उन्नाव मधील घटनेच्या विरोधात बुट्टीबोरीतील जनतेत बघायला मिळाला रोष. कठुआ आणि उन्नाव येथील घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ काल सायंकाळी नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाच्या मार्फत कठुआ व उन्नाव येथील अमानुष्य बलात्काराच्या विरोधात काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय बंदला बुट्टीबोरीत प्रतिसाद. बुट्टीबोरी शहर काँग्रेस कमिटी, बुट्टीबोरी युवक काँग्रेस कमिटी व नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाच्या वतीने कॅन्डल मार्च काढून आपला रोष व्यक्त करण्यात आला. आज देश की ऐसी परिस्थिति है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटी छुपाने की जरूरत पड़ रही है, बेटी छुपाओ का नारा देना पड़ रहा है. आज देश में जो कानून व्यवस्था है वो इतनी गईबीती हो गई है कि ये देश के सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ गया है. हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की बेटियाँ कहाँ सुरक्षित रहेगी, कैसी सुरक्षित रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. इस सरकार में बाबा योगी त्यागी इन लोगों को मंत्री पद का दर्जा देंगे तो उनके उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी. ये संभव नहीं है कि हम ऐसी अपेक्षा करना कि इन बाबाओं के और ये मंत्रोपचार वाले सरकार से हम हमारी बेटियां और हमारा देश सुरक्षित रहेगा, ये हमें बिल्कुल भी संभव नहीं लगता. जो भैया ने बोले सही बोले हैं कि आज देश कैंडल मार्च कर रहा है और ऐसा किसी के होना नहीं चाहिए, कोई भी स्टेट में नहीं होना चाहिए. ऐसे सरकार का निषेध करते हैं, निषेध करते हैं, निषेध करते हैं. कौंडण्यपूरच्या नदीत प्रेम युगलांची आत्महत्या. गोपाल अरुण चौधरी वय 22 वर्षे तर राधा धांडे वय 16 वर्षे राहणार अंजनवती अशी मृत प्रेमी युगलांची नावे आहेत. दोघांचे एकमेकावर खूप प्रेम होते. दोघांचे हे प्रकरण माहीत झाल्याने दोघांनी कौंडण्यपूरच्या वर्धा नदी पात्रात आत्महत्या केली. चांदूर बाजार आगाराची शिवशाही बस उलटली. चांदूर बाजार आगाराची शिवशाही बस औरंगाबादकडे जात असता उंदरी नजीक चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस उलटली, त्यामुळे 10 प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. उंदरी येथे प्रवाशांवर प्राथमिक उपचार करण्यात आला.